Let's go. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। हम लोग एयरपोर्ट जाने के लिए रेडी हो गए थे। आज हमारी फ़्लाइट है पाकिस्तान जाने के लिए, और 11 बजे, रात 11 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। तो तकरीबन 6:30 बजे ही मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था। मैंने इसीलिए इनको जल्दी रेडी कर दिया था कि हम लोग 7 बजे तक घर से निकल जाएं, क्योंकि ईद के दिन हैं और बहुत ज़्यादा रश था एयरपोर्ट पे, हमें ऑलरेडी पता था। और रोड्स पे तो रश था ही, क्योंकि बारिश हो रही थी आज, तो हमें पता था कि ये बिज़ी आवर होगा और हमें जो है वो बहुत ज़्यादा रश। बोर्ड आपका, चलो। अजान आओ, आओ हम इधर से चलते हैं। किधर जा रहे हो? ऊपर स्लाइड में अंकल, वो नानू, हम एरोप्लेन में जा रहे हो? हाँ। कि ट्रेन पे जा रहे हो? ट्रेन में? हम्म, नहीं एरोप्लेन में। चलो कैब हम लोगों की टाइम पे आ गई थी, और हम लोगों ने अब सामान वगैरह अपना रख लिया था। और थोड़ी सी टेंशन इस बात की थी कि बस अब टाइम से पहुंच जाएं, लेट ना हो जाएं। पता था कि बहुत ज़्यादा रश है रोड्स पे, हमें गाड़ी वाला भी बता रहा था कि जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। आप देख सकते हैं, हमें हर रोड पे, हर सिग्नल पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रही थी। बस मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि हम जल्दी से पहुँच जाएँ और जल्दी से जो है ना बोर्डिंग पास वगैरह हमें मिल जाए। काफ़ी देर तक हम जो है वो रोड्स पे फंसे रहे हैं। मौसम उस दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा था, हल्की हल्की सारा दिन बूंदाबांदी होती रही है, और इस टाइम भी जो है ना थोड़ी बहुत बारिश हो के हटी थी, तो बड़ा क्लियर सा वेदर था और थोड़ी थोड़ी साथ में हवा भी चल रही थी। यूजुअली क्योंकि ओमान में इतनी बारिश होती नहीं है, बहुत कम ही बारिश होती है, तो जब होती है तो फिर मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है यहाँ पर वेदर। वैसे तो हमारे रहीमिया खान में भी इसी तरह का वेदर होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि साथ में समंदर भी है तो ज़रा ज़्यादा ही ह्यूमिड होता है। हम लोग शुक्र है टाइम से एयरपोर्ट पहुंच गए थे। 7:30 हम लोग एयरपोर्ट पर थे। अभी हम लोग ड्रॉप ऑफ लेन की तरफ जा रहे थे, क्योंकि गाड़ी वाले ने हमें उधर उतार देना था। तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था रात के टाइम एयरपोर्ट। अच्छा, जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे हैं, अंदर इतना शदीद रश था, इतना ज़्यादा रश था। पहले तो हमें पता ही नहीं लग रहा था कि हमने कौन सी साइड पर जाना है, हमने बोर्डिंग हमारी कहाँ से होनी है। इतना भरा कचा कच भरा हुआ था एयरपोर्ट। सलमान उधर बोर्डिंग पासेस वगैरह लेने के लिए चले गए थे, बच्चे और मैं एक साइड पे बैठ गए थे, वेट कर रहे थे हम लोग उनका। इनको मैंने थोड़ा सा इंगेज कर दिया था, कुछ खाने पीने की चीज़ें मैं साथ में इनके लेकर आई थी। मुझे पता था कि बच्चे तो हैं वो टिक्के बिल्कुल नहीं बैठते, उनको जाते ही सबसे पहले भूख लगती है। कुछ ना कुछ मैंने इनके लिए रखा हुआ था, कुछ स्नैक्स वगैरह। फिर मैं बैठ के इनको देख रही थी, ये बस इधर उधर दोनों खेल रहे थे।
बोर्डिंग पासेस लेते लेते इमिग्रेशन क्लियरेंस कराते हुए हमें इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं इन ये ड्यूटी फ्री शॉप्स वगैरह पे जाती या कोई ना कोई चीज़ देख लेती। बस यहाँ से गुजरते गुजरते मैंने थोड़ी बहुत इनकी वीडियो बनाई। दिल तो कह रहा था कि अगर मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होता, हम लोग इतना शुक्र है कि हम फिर भी टाइम से पहुंच गए हैं कि हमारा इतने रश में जो है हमें बोर्डिंग हो गई और इमिग्रेशन वगैरह हो गई। अगर थोड़ा सा लेट होते तो फंस जाते, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि मैं कोई चीज़ जाकर किसी शॉप में कोई परफ्यूम कोई मेकअप कोई चीज़ देखती या लेती। तो बस हम जल्दी से अब जा रहे थे अपने गेट की तरफ। अजलान इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव था इस टाइम पे कि उसका बस नहीं चल रहा था कि वो किस तरह किसी भी प्लेन में बैठ के फ़ौरन से उड़ के पाकिस्तान पहुंच जाए। उसे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी घर जाने की, वहाँ पर अपनी कज़न से मिलने की, और वो सारा कुछ भुला हुआ था। छोटा तो फ़ौरन से सो गया था। मतलब कि रात का सफ़र मुझे ऐसा फील हुआ है इस दफ़ा बच्चों के साथ ट्रैवल करके कि रात का सफ़र बहुत टफ है बच्चों के साथ। पहला फर्स्ट हाफ में छोटा सोया रहा, उसको हमें अपने बैग्स भी हमने उठाए हुए थे और उसको उठाना पड़ा, और साथ में अजलान जो है वो थोड़ा सा चलने के बाद वो थक जाता है, उसको स्ट्रॉलर चाहिए होता है। तो वो शुक्र है कि वहाँ पर मस्कत एयरपोर्ट में ये अच्छी फैसिलिटी है, वहाँ से स्ट्रॉलर्स मिल जाते हैं। तो उसको तो मैंने उधर से स्ट्रॉलर में बिठा दिया, हमारा स्ट्रॉलर जो है वो हमने बुक करा दिया था लगेज में। तो छोटा सोया रहा है और जो बड़ा वाला है वो खेलता रहा एयरपोर्ट पर। जहाँ जहाँ हम लाइनों में लगे रहे हैं, हमें पता ही नहीं था अजलान कहाँ पर होता था, ये बस इधर उधर बच्चे ढूंढ लेता था और उनके साथ खेलना शुरू हो जाता था। वहाँ से लेकर पूरा प्लेन में भी, प्लेन के सारे सफ़र में भी अजलान जो है वो खेलता ही रहा है, और सारा सफ़र तकरीबन जो है वो इसने इसी तरह जो है ना हवा मस्तियाँ करने में गुजारा है। किधर है थैंक यू मामा, वेलकम। वो मामा वो देखो पूरे 11:15 पे प्लेन टेक ऑफ कर गया था मस्कत से। इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि मैं सुबह से जाग रही थी। 7 बजे मेरी आँख खुल गई थी, उसके बाद से जो है मैं छोटी छोटी चीज़ें जो रहती थी एंड के लिए जो काम छोड़े हुए थे, जो एंड वाली पैकिंग थी उस दिन के लिए छोड़ी हुई थी, वो पहले पैकिंग सारी की, उसके बाद दोपहर का खाना बनाया, बच्चों को खाना खिलाया, फिर मुझे बच्चों को सुलाने की टेंशन थी कि एक दफ़ा ये दोपहर को नैप ले लें ताकि ये रात को इतना ज़्यादा हमें तंग ना करें।
इनको मैंने नहला के सुला दिया, फिर उसके बाद जब ये उठे हैं इनको रेडी कराया, उसके बाद तो बस वो एक हसल वाला टाइम होता है कि बस जल्दी से ये टाइम गुजर जाए और हम लोग अपना पहुंच जाएं, अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं किसी तरीके से। बस मैं जाग रही थी, सारा दिन ही जागती रही हूँ। फिर उसके बाद बच्चे जो हैं वो तो जब थकते हैं उनको कोई गोद उठा लेता है या वो स्ट्रॉलर में बैठ जाते हैं। हम लोग तो वहाँ एयरपोर्ट पे भी लाइनों में लग लग के खड़े हो के टांगे बिल्कुल जवाब दे गई थी। इस टाइम तो बिल्कुल एंड हो गया था हमारा, सलमान और मैं, हम दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए थे इस टाइम पर। और बच्चे माशाल्लाह इतने एक्टिव और इतने ज़्यादा पुरजोश थे कि उनको देख के लग ही नहीं रहा था कि वो थके हुए हैं। सलमान भी बस बहुत ज़्यादा टायर्ड थे क्योंकि उनका ऑफिस भी था, ऑफिस से उनकी छुट्टी नहीं थी उस दिन। पूरा प्लेन बिल्कुल फुल था, कोई भी सीट खाली नहीं थी। असल में एक तो ईद पे वैसे ही रश होता है, हर बंदे की कोशिश होती है कि ईद अपनी फैमिलीज के साथ जाके करे, और दूसरा ये कि यहाँ पर कोरोना के बाद आई थिंक कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोग थे जो अपने अपने घरों में नहीं जा सके थे, और बहुत टाइम के बाद जो है वो लोग जा रहे थे अपने घरों में। इस वजह से भी जो है वो बहुत ज़्यादा रश था। पाकिस्तान हम पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसे ही हम पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान का वेदर भी गर्म ही था, लेकिन ये कि वहाँ पर हम ज़रा बारिश छोड़ के आए थे, यहाँ पर जो है वो गर्मी थी। हम 3 बजे नहीं, हम 2 बजे पाकिस्तान एयरपोर्ट पहुंच गए थे मुल्तान, और अजलान साहब जो है वो सो गए थे क्योंकि वो वहाँ पर खेलता रहा, जहाज़ में भी खेलता रहा, और अब ये सो गया था। इतना ये मुश्किल था, सलमान ने अजलान को भी उठाया हुआ था, बैग्स भी उठाए हुए थे, छोटा सोया हुआ था उसको मैंने उठाया हुआ था, बैग उठाया हुआ था। हम लोग एयरपोर्ट से तकरीबन 3 बजे निकले, 3:15 बजे हम एयरपोर्ट से निकल आए। हमने मुल्तान से रहीमियर खान जाना था, तो गाड़ी हमारी आई हुई थी। अब हम जा रहे हैं अपनी सिटी, अपने अम्मी अबू के पास, और सुबह का टाइम हो रहा था। सलमान बेचारे कभी सो जाते थे बीच में, कभी जाग जाते थे। मुझे टेंशन थी कि कहीं ड्राइवर को नींद ना आ जाए, तो रास्ते में 2-3 दफ़ा रुक के चाय शाय पी हमने, ताकि जो है वो खैर खैरियत से हम लोग घर पे पहुंच जाए। ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस रात के टाइम बच्चों के साथ अच्छा नहीं था हम लोगों का, और हम लोगों ने उसी दिन सोच लिया था कि नेक्स्ट टाइम कभी भी रात की फ़्लाइट तो हमने लेनी ही नहीं है। दिन के टाइम बच्चों के साथ सफ़र कर सकता है बंदा, बेशक मैं अकेली आऊं या हम सब आए जाएं, दिन के टाइम बच्चों के साथ फिर भी ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि बच्चे जागते रहते हैं, खेलते रहते हैं। अजलान बस एक दफ़ा जब सो गया, उसके बाद बहुत मुश्किल होते हैं इसको जगाना। ये वहाँ पर सो गया था जब हम पाकिस्तान एयरपोर्ट पहुँचने वाले थे, हाँ हम लैंड करने वाले थे, तो ये सो गया। उसके बाद ये बिल्कुल नहीं उठा। फिर ये अब हम जब घर पहुँचे हैं, हम लोग घर आ गए थे यहाँ पर, तो हम घर आए हैं तब अजलान को उठाया है कि अजलान देख लो हम आ गए हैं घर, फिर इसको यकीन आया कि वाकई हम पहुँच गए हैं।